अभी का जो शिवरात्रि महाशिवरात्रि 18 फरवरी को आने आ रहा है, ये अगर किसी के लिए आ रहा है, अगर मेरा गणित कह रहा है, मेरा ज्योतिष विज्ञान कह रहा है, मेरे अध्ययन कह रहे हैं, मैं हर दिन ग्रहों को ट्रैकिंग करता हूँ, डिग्री वाइज प्लेसमेंट देखते रहता हूँ, तो अगर ये शिवरात्रि अगर किसी के लिए है तो मकर और कुंभ के लिए। अगर ये मकर और कुंभ वाले इस शिवरात्रि में सही से पूरा दिन सही से एकदम ईमानदारी से 24 घंटा पूरा फास्टिंग रख लें, जल में रहें, फल में रहें, आल चावल अनाज रोटी ना खाएं, और बाबा जी का रुद्राभिषेक चाहे गन्ने के रस में, चाहे मीठा जल में, चाहे गुड़ के पानी में, चीनी में नहीं या मधु में कर लें, जितना कैपेसिटी है एक कर लें, दो कर लें, तीन कर लें, या 11 का 11 कर लें, या फिर रुद्र यज्ञ करा लें, ठीक है। ये उतरता शनि का 7.5 ही इतना राजयोग बना के रख देगा कि जिंदगी में कभी वो सोच नहीं सकते कि इतना कुछ मिल जाएगा। अगर आपके पास इम्पॉसिबल 11 पंडित हो गया तो 11 पंडित को शिफ्ट वाइज करा देंगे। हम लोग तो यहाँ पर यही करते हैं, अभी जो हम लोगों का प्रोजेक्ट होता है कि सुबह से लेके जब तक पूरा लग्न लगा हुआ है, और इस बार तो बढ़िया यज्ञ 2 दिन का पूरा यज्ञ लग रहा है, तो उसमें 11 बार मतलब हर एक प्रहर का भाग करके अगर 11 बार रुद्रपाठ करके या अष्टाध्यायी का पाठ करके वो श्रृंगी में अगर पूरा रुद्राभिषेक करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि शायद आपको ज़िंदगी में और कोई चीज़ का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, कोई पूजा पाठ हवन जप तप और ग्रह शांति कुछ नहीं जरूरत पड़ेगा इसी को अगर कराते हैं। हाँ, मेरे यहाँ तो होता है, हर शिवरात्रि को होता है, वो हर साल का शिवरात्रि कर लीजिए, योग लगा होगा तो आ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हाँ, और अगर इनकेस वहाँ करते हो, अगर नहीं आ पाए, मैं ये प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये योग में सुबह से शाम तक का रुद्राभिषेक के साथ रुद्र यज्ञ 24 घंटा में कम से कम देसी गाय का घी का खर्चा नियर 1 घंटा का अगर आधा किलो का भी लेके चलते हैं तो 12 किलो का घी लगेगा। यज्ञ साकल्य 12-14-25 किलो तक लग सकता है, यज्ञ साकल्य जो हवन सामग्री डालते हैं, ठीक है। और 5 पंडित शिफ्ट वाइज अगर डिवाइड कर देते हैं तो 5 से 6 पंडित में हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ब्राह्मण भोजन करवाना पड़ता है और ब्राह्मणों को सदक्षिणा सहित न शांति पाठ और आशीर्वाद वचन करके करना पड़ता है। तो और उसके लिए जो आवश्यक सामग्री है रुद्राभिषेक के लिए, कोई दूध में, कोई गन्ने के रस में, कोई गुड़ में, और भस्म, सिंदूर, चंदन, घर्षण के लिए, और मिठाइयाँ, फल, भोग, ये सब इकट्ठा करके आप शुरू कर लो, फिर देख लो चमत्कार क्या होता है।